हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। सो वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले तो मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई कि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला मेरे फर्स्ट लेक्चर से ही। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपका सिलेबस आपको बता दिया, तो सिलेबस में यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिव्यू कर लें, क्योंकि जब भी आप लेक्चर देखें या पढ़ें या सुनें तो सबसे पहले अपने सिलेबस पे एक नज़र लगा लें। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके कमेंट्स मैंने देखे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पॉजिटिव व्यूज़ मिले, सजेशंस मिली, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने पहले लेक्चर में, तो मैं अभी MCQs नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जस्ट मैंने वहाँ पे डेफिनेशंस ही किए हैं, तो जस्ट सिंपली इंट्रोड्यूस ही किया था। तो इंशाल्लाह MCQs आज के लेक्चर में लास्ट में कुछ होंगे। तो बाकी बात है बोर्ड की, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, अभी मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, उस तरीके का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। जिस दिन भी होगा तो इंशाल्लाह मैं खुद से ही, मुझे बोर्ड ही यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, इवन देन आपके ये अपना नोट्स पे। तो उसके बाद बात की है हाइलाइट्स की, तो मैं यहाँ पे टॉपिक्स हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने टॉपिक को हाईलाइट किया तो जब मैं ये स्कैन करती हूँ तो उस पर वो ब्लर हो जाएगा और वो ब्लैक एंड वाइट दिखाता है। तो इसलिए ना मैंने पेन से ही अंडरलाइन कर दिए हैं। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशंस जो भी मैंने दिखी हैं आप बस उनको एक बार समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस करना। इसलिए मैंने आज के टॉपिक में बहुत सारा कंटेंट डाला है ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लें पहले, क्योंकि हर एक चीज़ का ना करने से पहले, कुछ भी करने से पहले उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। थ्योरी इस तरीके से कि मैंने जिस तरीके से उस दिन भी आपको डेफिनेशन पढ़ाई, डेफिनेशन से पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दी। अगर मैं आते ही आपको MCQ करवाने लगूँ या क्वेश्चंस दे दूँ तो वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको उसका बेसिक पता नहीं होगा, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होगी, तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए मैंने आज के टॉपिक में भी एंड में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वाला लेक्चर। तो मैंने डेफिनेशन के बाद बहुत कुछ कंटेंट ऐसा डाला है कि ताकि आपको सब कुछ बेसिक क्लियर हो। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक से पहले मैंने यहाँ पे मुझे और भी कमेंट्स आए हैं कि मैम हमें मैथ्स की ABC भी नहीं आती। नो इशू, अगर ABC नहीं भी आती है तो आप इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ें कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। आप ये मत सोचना कि मैथ्स है तो बहुत टफ है, ये बहुत ईजी है। सिर्फ आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मैथ्स जस्ट लाइक अ मैजिक, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने पहले भी पढ़ाई थी, अगर आपको ये लेक्चर अभी पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो पहले आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर प्लीज़ एक बार सुन लेना या देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट किया था, बहुत इंट्रो दिया, एग्जांपल के साथ समझाया। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, हाँ डेफिनेशन में फिर से अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, मैं फिर से बता देती हूँ। तो डेफिनेशन हमारी प्रोबेबिलिटी की ये कहती है कि अगर कि इवेंट ई से हम डिनोट कर रहे हैं इवेंट को, ओके? तो इवेंट मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि इवेंट कोई जब किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम होता है, तो अगर वो एम वेज में हो रहा है और एन वेज में हम उसको डिनोट कर रहे हैं कि वो नहीं होता, तो उनके होने के इक्वली चांसेस होते हैं, ठीक है? तो उसको हम प्रोबेबिलिटी में डिनोट करते हैं P(E). देखिए, उसको हम प्रोबेबिलिटी में डिनोट करते हैं P(E) से। तो P(E) प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट्स इज इक्वल्स टू M/N, ओके? और उसके बाद M+N मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। देन हमारे पास N जो M वो इवेंट्स हैं जो होने वाले हों, जिनका हमने ये सोचा हो कि ये चीज़ होके रहेगी। उसके बाद N इवेंट्स की बात आई है, तो N इवेंट्स हमारे पास वो इवेंट्स होंगे जो नहीं होंगे। सपोज जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि देखिए, मैं पीछे जाके आपको समझाना चाहूँगी
देखो मोहन के लिए जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ ली थी कि उसके पास उसकी क्लास के फर्स्ट आने के चांसेस हमने 3 लिए थे, उसकी क्लास के फर्स्ट आने के चांसेस हमने 3 लिए थे और ना होने का चांस हमने 1 लिया था। तो इस तरीके से ये हमारे होने या ना होने के चांसेस थे। अब एक और चीज़ मैंने उस दिन खुद से स्किप की थी और आज मैं उस चीज़ को यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो हमारे पास जो भी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये इतने हाई लेवल का तो हमारे पास है नहीं है एग्ज़ाम। तो जिस तरीके का उन्होंने सिलेबस हमें पूछा है, तो उसके बेस पे उसको देखते हुए हमें सिर्फ ये पता है कि मैं आपको MCQs दूंगी इंशाल्लाह, तो उसके बेस पे आपको ये चीज़ें आपको सॉल्व करने का उतना ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि इस बार सिलेबस भी तो नया है हमारे पास, और हमें सिलेबस नया है और इस तरीके का अकाउंट असिस्टेंट का आज से पहले कभी नहीं एग्ज़ाम आया, क्योंकि मैंने भी एक बार अटैम्प्ट दिया था। तो ऐसा पेपर उन्होंने, ऐसा सिलेबस उन्होंने कभी नहीं दिया, जस्ट नॉर्मल होता था। तो इस बार अगर उन्होंने इस तरीके का सिलेबस दिया है, तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो ये कंटेंट है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन जो बता रही हूँ वो पढ़ना ज़रूर, जितना बताऊंगी वो ज़रूर पढ़ना। तो अगर सैम्पल पेपर मार्केट में आ जाता है कभी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हम कुछ भी, जो भी हमें कंटेंट मिलेगा, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को लेके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप क्वेश्चंस देखो या जब आप MCQs पढ़ो, तो आपको कुछ भी ऐसा नया ना लगे कि हमने तो ये देखा भी नहीं, तो कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब फिर वो क्वेश्चन हमारे लिए पहाड़ बन जाता है। तो मैथ्स की यही चीज़ है, सबसे पहली बात मैथ्स की यही होती है इंटरेस्टिंग, कि जो इसका बेसिक है, जो इसकी डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो हमें आ जानी चाहिए अच्छे से समझ। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आपके लिए हर एक डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जो प्रोबेबिलिटी हमारी होने वाली हो, उसको हम PFE से डिनोट करते हैं, और जो ना होने वाली हो, उसको हम डिनोट करते हैं PEF बार से। ठीक है, जैसे जैसे PFE से डिनोट किया हमने वो जो होने वाले हो, और उसमें होने वाले कंटेंट हम ऊपर रखते हैं, और तो नीचे हम कौन से लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स जो होने वाले हों, क्या हैपनिंग वाले और नॉन हैपनिंग वाले, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी तरीके से जो हमारे पास ना होने वाले इवेंट्स हों, जो मतलब नॉट हैपनिंग इवेंट्स, जो हमारे पास इवेंट ना हों, उनको हम डिनोट करते हैं PFE के साथ। जैसे PFE बार, इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, PFE बार से, और नंबर ऑफ जो होंगे नॉट हैपनिंग इवेंट्स n, फिर हम उनको ऊपर ले लेंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, जिस तरीके से हम हमेशा करते आते हैं। जैसे सपोज करो हमने टू लिया, सॉरी, जैसे सपोज करो हमने टू लिया, ओके, अब इसका इन्वर्स क्या होगा, -2 या 1/2। इसी तरीके से हमारे पास PFE भी है, जो प्रोबेबिलिटी है। अब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स को अगर हमने ई से डिनोट किया है, तो इसका मतलब जो इसका नॉट वाला होगा, तो नॉट के लिए हम क्या कर देंगे, नॉट वाला जो होगा हमारे पास, उसको हम PFE बार से नोट करेंगे। हो सकता है वो हमें इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमें अभी एग्ज़ाम का इतना वो पता नहीं है कि वो टफ वाला पूछेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप इंटरव्यूज़ तो नहीं होंगे, तो मे भी वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ कर दें कंपटीशन के लिए। तो लेकिन हमें हर एक पॉसिबिलिटी, जो हमने प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है कि हमारी लाइफ में हर जगह प्रोबेबिलिटी तो यूज़ होगी, हम हर चीज़ को लेके चलते हैं, हम टफ भी करेंगे, सिंपल भी करेंगे, हर एक चीज़ को करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्लीज़ बोर मत होना, क्योंकि ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे स्किप हो जाएंगी, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि एंड में क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं। देखिए, जैसे मैं अभी आपको समझा रही थी कि PFE नॉट क्या है, PFE नॉट मतलब PFE बार, आप नॉट भी बोल सकते हो, वी डिनोट द इवेंट्स ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ऑफ इवेंट ई, जब हमारे पास इवेंट हमने ई से डिनोट किया हुआ, ठीक है, ये इवेंट कौन सा, ये ई कौन सा है, इस इवेंट का ई, इसको हम डिनोट करेंगे ई बार से, वो कौन सा इवेंट, इफ वी डिनोट द इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो इवेंट जो नहीं होने वाला हो, इवेंट ई, उसको हम ई बार से डिनोट करें, देन इट इज डिनोटेड बाई, उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एम प्लस एन। तो एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारे पास नंबर इवेंट्स ऑफ नॉट हैपनिंग वाले, उसके बाद नीचे तो आपको पता ही है
अब जैसे मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में आपको पी एफ ई की एग्जांपल लेके बताई थी, और पी एफ नॉट, पी एफ ई नॉट क्या होगा, पी एफ ई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी पी एफ ई नॉट हमारे पास आ जाएगा, जैसे ऊपर नॉट हैपनिंग एन हमारे पास क्या था 1 और एम हमारे पास क्या था 3। तो यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3+1, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट्स कितने थे 4, तो 1/4 हो जाएगा। आपको समझ में आया, ये हो जाएगा ई एफ नॉट। इसी तरीके से ऊपर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मैंने उसको नाम दिया था, जो ये हमारी इक्वेशन थी, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो आपको पता है ये जब इन्वर्स दो इकट्ठे होते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या देते हैं, जब दो इन्वर्स इकट्ठे होंगे तो हमारे पास हमेशा 1 आता है। अब इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा। मैं चाहती हूँ कि अगर वो प्रोबेबिलिटी का या मेरे मैथ्स के सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उनके लिए आए तो हम क्या करें, उसको ईजिली कर सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर इसको सॉल्व करके बताना चाहूँगी। देखो, जैसे यहाँ पे m है और यहाँ पे n, m मतलब नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट्स, n मतलब नॉट हैपनिंग इवेंट्स। ये हमारे पास था 3 और ये हमारे पास था क्या 1, ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब m प्लस n भी 4 है और m प्लस n 4, मतलब ये दोनों सेम ही है, बेस सेम, जब इनके नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है, LCM तो पढ़ा ही होगा 4th 5th में, तो जब इनका बेस सेम है तो ऊपर वाले हमेशा ये भी, फिर इसको हम एक ही रखते हैं और ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। अब देखिए ये कैसे 1 हो जाएगा, 3+1 कितना होगा अपॉन 4, तो इक्वल्स टू 4/4, तो इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से मैंने ये भी किया है, देखिए जिस तरीके से ये m और n है हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास क्या है m और n है, तो ये दोनों को हमने क्या कर लिया, सेम ले लिया m प्लस n, और इन दोनों को ऊपर हमने ऐड कर दिया m प्लस n, ठीक है। अब जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। अब देखिए, अब बाकी तो ये नॉर्मल से है, ये चीज़ें मेरे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन देखिए मैंने अब ये चीज़ें कैसे लिखी ये मैं आपको समझाती हूँ। ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी, जब हमें पता है कि दोनों का इन्वर्स, जब हमने एक हैपनिंग वाला पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव नंबर लिया, सपोज करो हमने एक नंबर ऐसा लिया, एक नंबर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब दूसरा उसका इन्वर्स ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोल सकते, उसका इन्वर्स ले रहे हैं, एक मतलब होता है चीज़ और दूसरी नहीं होती है, मतलब फ्रंट और बैक, तो वो एक मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। अब जब देखते हैं, हमें पता है मैथ में इतना कि जब हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो और आगे नंबर हमारा पॉजिटिव हो, तो जब हमारे पास कोई भी नंबर इक्वल्स टू के पार लेके जाएंगे, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमें एक साइड से दूसरी साइड तक पे नंबर चाहिए, अगर हमें पी एफ ई, अगर हमें ये पी एफ ई यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पी को, किस तरीके से, देखिए पी एफ ई के साथ अगर हमारे पास क्या है प्लस पी एफ ई नॉट, ओके पी एफ ई नॉट है, आई एम सॉरी मुझे उंगली से लिखना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा बहुत राइटिंग में या थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना। तो पी एफ ई नॉट अगर हमने, हमें 1 के उस पार चाहिए, या तो हम सिंपली शॉर्टकट में ये लेते हैं कि जब हम 1 या इक्वल्स टू के पार किसी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था, जब हमने इक्वल्स टू लिया तो यहाँ पे 1 के इक्वल्स टू के पार लिया, मतलब उसको 1 के पास लेके गए, यहाँ से यहाँ जंप करवाया, तो ये चीज़ प्लस की यहाँ पे आके माइनस हो गई और पी एफ ई नॉट एज इट इज़ रह गया, ठीक है। इतना तो मैथ्स वालों को तो ऑब्वियस पता होगा, और जो इनको मैथ्स का एबीसी भी जो बोलते हैं तो वो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, फिर उसी तरीके से अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, क्योंकि पी एफ नॉट अगर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से उसको यहाँ लेके आए, तो हमें ये साइन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एज इट इज़ हमारे पास ये है, अगर इसको हमने पी एफ ई को 1 के साथ चाहिए तो हम इसको उठा के भी यहाँ लाएंगे, जिस चीज़ के साथ कुछ नहीं होता, जो भी डिजिट या जो भी टर्म ऐसी हो जिस टर्म के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वो टर्म पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव टर्म्स जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू के, तो
वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। उसी इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दो टर्म्स को लिख दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखें, मैंने नोट में भी कुछ लिखा है, नोट में आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट्स। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। देन एम प्लस एन जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब पॉसिबल आउटकम्स जो हमें पता है होने वाले, मतलब टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। देन जैसे हेड टेल, हमारे पास दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं एक कॉइन की। एक हमारे पास, हमने कॉइन ले लिया, इसका एक साइड हेड होगी और दूसरी साइड इसकी कौन सी होगी, टेल। तो ये हमारे पास दो क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। उसके बाद इन विच अ ट्रायल और एन एक्सपेरिमेंट और एन इवेंट एन, जिसमें क्या होता है, इस पे आके हमारा ट्रायल इवेंट खत्म हो जाता है। आउट ऑफ दीज एम प्लस एन वेज, जब एन प्लस एन वेज से हम इन एम वेज इवेंट ई हैपन्स और से एम वेज आर फेवरेबल, मतलब इनमें से जब हमारे पास इवेंट ई एम हैपनिंग वालों में जब हम एम को लेते हैं तो दैट मीन्स वो हमारे फेवरेबल, क्योंकि हम हमेशा जो हमारे साथ अच्छा होता है हम उसको बोलते हैं ये चीज़ हमारे फेवरेबल है। जब हमारे पास साथ बुरा हो जाता है तो हम उसको सोचें ये हमारे फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, या हम कभी किसी चीज़ को लेके फेल हो जाते हैं या कभी किसी चीज़ को लेके पास हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा लक फेवरेबल था या हमारे लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन है। कभी कभी हमें सपोज करते, जैसे हम बचपन में स्कूल जाने वाले होते थे तो बाहर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो हमें ऐसा लगता था कि ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाते थे क्योंकि जाना पड़ता था। तो इसी तरीके से फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कंडीशंस हमेशा रहती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था, तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए बातों के साथ हम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। तो देखते हैं, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ऑल्सो गिवन बाई। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो हमारे पास इवेंट होने वाले हैं, पी ऑफ ई जो है हमारे पास, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ वेज। इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं चाहूँ तो आपको फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। देखिए, तो ये क्या कह रहा था हमारे पास, हमने इसमें नोट में मैंने यही कहा है कि जब हम नंबर ऑफ एम वेज या नंबर ऑफ एन, तो एन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल वेज, ठीक है। अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज उसको हम एन ले लेंगे, इधर पी नॉट आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, नॉन फेवरेबल या नॉट फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इसमें हम क्या ले लेंगे, देन नॉट फेवरेबल नंबर ऑफ वेज वो हमारे पास एन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है हमारे पास, एम प्लस एन, ओके। तो अगर हम इसका अपोजिट, मतलब इसका हम अगर इन्वर्स लेंगे, ठीक है, एक तो होने वाले है इवेंट्स, एक नहीं होने वाले, मतलब जो होंगे वो हमारे फेवरेबल होंगे, जो नहीं होंगे वो हमारे नॉन फेवरेबल होंगे या नॉट फेवरेबल। देन नेक्स्ट ये रिमार्क्स मैंने आपको बताए थे। हाँ, एक चीज़ मेरी से उस दिन स्किप हो गई थी, वो ये थी कि मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। वो ये था कि जब हमारे पास इवेंट, वो वाला इवेंट जो हमेशा होने वाला हो, उसको हमने कहा था श्योर इवेंट्स। तो श्योर इवेंट्स की एग्जाम्पल आप ले लें डे, क्योंकि हमें पता है जब तक अल्लाह पाक की मर्जी है तब तक सूरज भी निकलेगा, श्योर इवेंट है। शाम होगी, श्योर इवेंट है। रात होगी, श्योर इवेंट है। सुबह होगी, श्योर इवेंट है। और इस तरीके के होने वाले इवेंट्स हमेशा हमारे पास कौन से होते हैं, श्योर इवेंट्स होते हैं, ओके। तो मतलब अब बाकी मैं इसके ज़्यादा आपको क्या ही इसकी एग्जांपल हूँ, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि श्योर इवेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, और श्योर इवेंट्स को मैंने समझाया भी था कि वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं अब और प्रीवियस टॉपिक्स पे। चलिए, अब हमारे पास, मैंने आपको इवेंट्स की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी बता दी थी, तो अब टाइप ऑफ इवेंट्स क्या हैं, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ इवेंट्स हमारे पास हैं कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, मतलब कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स हमारे पास है कि एक ही बार में हैपनिंग्स ऑफ मोर देन वन इवेंट्स एट अ टाइम, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, एक ही टाइम पे अगर हम ज़्यादा, एक से ज़्यादा इवेंट्स हमारे पास हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, ओके। इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास डेफिनेशन इवेंट्स की, वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखो मैथ्स की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि इंग्लिश में उसका मतलब बहुत अलग होगा, लेकिन जब वो मैथ्स में आते हैं
तो उसका मतलब बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, वो मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ और कह रहा होता है। तो इसीलिए कभी भी मैथमेटिकल टर्म्स को इंग्लिश की टर्म्स के साथ जोड़ के कभी भी अपना आंसर देने की कोशिश मत करना, ओके। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स हैं? आर दोज इवेंट्स विच इंक्लूड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ओके। जो कौन से इवेंट्स के जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हों उन सब को इंक्लूड करे, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। तो एग्जांपल मैं आपकी इसको दूंगी। सबसे पहले जो है, जैसे देखो, टू इवेंट्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली इफ टू इवेंट्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली इफ बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांसेस टू अकर, ठीक है। जब दोनों के होने के चांसेस एक जैसे हों तब उनको हम क्या बोलते हैं? तब उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे कौन से इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में देखो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच इंक्लूड ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स। जितनी भी आउटकम्स हमारी होंगी, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स होंगी किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है, उनको इंक्लूड करके जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टू इवेंट्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली इफ बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांसेस टू अकर, जिनके दोनों के होने के चांसेस एक जैसे हों। देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन इन प्रेफरेंस टू द अदर, मतलब हमें हमेशा ये नहीं सोचना कि नहीं ये ज़्यादा होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि एक को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे दें होने के लिए और दूसरे के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस तरीके से इन द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन देयर आर टू इक्वली लाइकली इवेंट्स, द हेड एंड द टेल बोथ हैव इक्वल चांसेस। समझ में आया? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब कि अगर हमारे पास कॉइन है, उसकी एक साइड हेड है और दूसरी साइड उसकी क्या है? टेल। अगर हमने टॉस किया, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा सिर्फ हेड ही आएगा, उसमें टेल आने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो फिर इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? हेड टेल, ठीक है, समझ में आया। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हम पूरे के पूरे चांसेस, जितने भी हमारे पास इसके आउटकम्स होंगी, हम उन सब को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा। दोनों के जितने भी, अगर हमने दो कॉइन टॉस किए हैं तो तब भी हम उन सब की इक्वली इक्वली छत के चांसेस लेंगे। तो उनको भी मैं आगे समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से। समझ में आया? देखो मैं फिर से बता देती हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनकी जितने भी आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं उन सबको इकट्ठा करके हम जो बताते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सपोज करो हमने एक डाई थ्रो की, ठीक है, डाई थ्रो करने पे हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेस मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, बट फिर भी मैं उसकी आउटकम्स जो बताती हूँ उनको कौन से आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब हमने ये हमारे पास है पूरे डाई के जो आने वाली आउटकम्स हैं, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, सपोज करो हमें पूछा गया कि हमने वो लिखने हैं, सपोज करते हैं हमारे पास एक ए है, ए में हमने कौन सी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि सिर्फ 1 आएगा 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। ए इसको हम सेट भी बोल सकते हैं, अब सेट आपको अभी पढ़ा नहीं है तो इसीलिए मैं अभी आप सेट की कोई भी ऐसी चीज़ बीच में नहीं लाऊंगी, ताकि जिनको जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सपोज करो हमने सिर्फ ये एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं या यही बोला है हमें कि हमें ये बताना है उसमें कि वहाँ पे सिर्फ 1, 2 और 3 ही आएंगे, बाकी कोई भी आउटकम्स नहीं आने वाली। बी में हमने ले लिया कि हमारे पास आउटकम सिर्फ 3, 4 और 5 आएंगी, ठीक है। और सी में हमने ले लिया कि हमारे पास आउटकम सिर्फ कौन सी आनी चाहिए? 5 और 6। ये हम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, ओके। तो एक्सपेक्टेशन से हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ये इवेंट्स आने चाहिए, ए बी और सी। ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स की मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, अभी ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये तब हो जाएगा जब हम ए और बी और सी को जब हम इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो हमारे पास पूरी की पूरी दोबारा से यही आउटकम दिखे। मतलब अब मैं यहाँ पे सेट की में वही बोल रही हूँ कि सेट की में कोई सा भी टर्म यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने सेट की कोई भी टर्म यूज़ की तो बाकी वालों के लिए, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सेट में जब हम यूनियन लेते हैं, यूनियन सबको पता होना चाहिए, यूनियन मतलब सबका इकट्ठा कर देना। और जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं
तो तब हमारे पास क्या होता है कि जब हमने किसी इनको इकट्ठा कर लिया, तीनों के तीनों सेट्स को हमने एक एक में एक एक कर लिया, तो एक करने पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं हम उनको रिपीट नहीं करते, ठीक है। फिर हम कैसे लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें बताना है कि ये फिर लास्ट पे हमारे पास इवेंट क्या बन जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे भी देखो 5 भी है, तो इन 2 5 में से हम सिर्फ एक ही 5 लेंगे जब हम अपनी लास्ट वाली चीज़ लिखेंगे या यूनियन बनाते हैं, ओके। जब हम सेट पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगी कि सेट में यूनियन कैसे होती है, इंटरसेक्शन कैसे होती है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में तब भी फिर से रिपीट करवा दूंगी ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पे कोई पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे कि हमने रटनी है, ये चीज़ें समझनी है आपको। ऐसा पेपर नहीं है कि क्लास में फर्स्ट आना है तो हर एक चीज़ रटनी है, ना, आपको उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्प मिल सके, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो एग्जॉस्टिव इवेंट की सबको समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो भी बता देना, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगी कि जो भी पढ़ोगे, जो भी अपने नोट्स, जो भी मेरा कोई लेक्चर देखोगे, तो अपनी पेन कॉपी हाथ में रखना, पास रखना, ताकि जो चीज़ मैं यहाँ लिखूँ वो आप अपनी नोटबुक पे साइड पे लिखो, क्योंकि मैं हर चीज़ नोट्स पे नहीं डाल सकती। अगर मैं हर एक चीज़ यहाँ पे डालने लगूंगी तो फिर मेरी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे पता है कि लंबे लेक्चर पे हर कोई बोर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैथ्स का लेक्चर बोरिंग नहीं हो और आप इसको अच्छे से और एंड तक समझें। तो एग्जॉस्टिव इवेंट में फिर से बता देती हूँ कि जितने भी हमारे पास आउटकम्स आने के चांसेस हो, तो वो हम पूरे के पूरे चांसेस लें। जैसे सैम्पल स्पेस में हमने 6 लिया, कौन सी सैम्पल स्पेस, जब हमने कोई डाई को टॉस किया तो उसमें हमारे पास 6 आउटकम आने के चांसेस होते हैं, तो हम उनको सबको लेंगे, एक को भी नहीं स्किप करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो सबके आने के एक जैसे चांसेस हैं, तो इसीलिए हमने उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास इवेंट कौन सा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है, इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट व्हेन इफ वन ऑफ देम हैपन्स अदर कैन नॉट हैपन। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सपोज करो डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल अलग, ठीक है, डिसजॉइंट, जॉइंट होता है जुड़ा हुआ, ऊपर वाले को हम जॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। जब हमारे पास, अब हमें पता है कि हेड आ गया है, ठीक है, अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि टेल भी आना चाहिए, टेल थोड़ी आएगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। जब हमारे पास एक इवेंट हो जाए और दूसरा बिल्कुल ना हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सपोज करो हमने, जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर हमने टॉस कर दिया कॉइन को, उसका हेड भी है हमें भी पता है और उसका टेल भी है, लेकिन टॉस करने के बाद हमारे पास जो आया वो सपोज करो सिर्फ टेल आया, हो गया टी इवेंट हो गया, और एच इवेंट जो हमारे पास हेड वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही इवेंट हुआ हमारे पास, ओके। देन उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सपोज करो जैसे मैंने ऊपर भी डाई की एग्जांपल ली, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि हेड एंड टेल कैन नॉट कम अप टुगेदर, ओके, कैन नॉट कम अप टुगेदर इन द टॉसिंग ऑफ अ सिंगल कॉइन। जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों हेड और टेल एक टाइम पे अपीयर नहीं हो सकते, तब सिर्फ एक ही चीज सामने होगी, या टेल होगा या हेड होगा। हेंस दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है, हाँ, इसको मैं आपकी एग्जांपल देने लगी थी, कौन सी हमारे पास एग्जांपल, डाई की। जब हमने एक सिंगल डाई को थ्रो किया तो हमारे पास स्पेस क्या बनती है, 1 2 इवेंट्स कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास कौन से हैं, इवेंट्स हैं। तो जब हमारे पास ये 6 इवेंट्स हैं, अब हमें सपोज करो हमें ये बताया कि हमें वो चीज़ लिखनी है जो सिर्फ ऑड नंबर और इवन नंबर, तो सबको पता है इवन नंबर वो है जो 2 के टेबल में आए, ऑड नंबर वो है जो 2 के टेबल में नहीं आए, मतलब 1 3 5 7 ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं, और इवन नंबर हैं 2 4 6, सबको पता होगा जो बिन मैथ्स नहीं पढ़ते, इसलिए मुझे अब हर चीज़ बताने का बहुत शुक्रिया आपका, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा, तो मैं अब इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि मुझे हर एक चीज़ को बीच में कम से कम एक बार तो बोलना पड़ेगा। तो इवन ऑड नंबर आप सबको पता होंगे, तो जिनको नहीं भी पता है उनको मैं बताती हूँ। जैसे 1 है हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, इस तरीके के नंबर 5 7
जो किसी के टेबल में भी ना आए, वो अपने टेबल में ही आते हैं, ठीक है, या वन के टेबल में, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑड, ठीक है। और इवन नंबर कौन से हैं हमारे पास, इवन है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके के, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर। देन मैंने आपको अभी बोला था कि मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल देने लगी हूँ, तो एग्जांपल में कि मैं क्या बताने लगी थी कि सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पेस है कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं बार बार स्पेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको हम सैम्पल स्पेस ही बोलते हैं, सॉरी हम इसको सैम्पल स्पेस ही बोलते हैं, वो मैं नीचे आपको समझा दूंगी। तो 6 इवेंट ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब जब हम डाई थ्रो करेंगे तो हमें पता है इन 6 में से तो कुछ ना कुछ आएगा। हमें बोला गया कि आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में सपोज करो ए में हमारे पास, ए सेट में हमारे पास कौन से हैं, सिर्फ ऑड नंबर्स। तो ऑड कौन से होंगे हमारे पास, ऑड नंबर हमारे पास होंगे 1, 3, 5, सिर्फ ये आउटकम्स आनी चाहिए, 1, 3, 5, ओके। देन बी में उसने क्या बोल दिया कि बी में आप कौन से लाओ, सिर्फ इवन, इवन कौन से, 2, 4, 6, कौन से हैं, 2, 4, 6। देखो जब हमने, अब देखो ऊपर हमने क्या किया था, अब मैं इसको बैक तो नहीं कर पाऊंगी, तो जब हमने एक्सक्लूसिव इवेंट्स में देखा, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट्स में देखा, तो जब हमने इस तरीके से सेट का यूनियन किया था, वो पूरी की पूरी फिर से हमारे पास क्या बन गई थी, सिंपल स्पेस। लेकिन इस इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, मतलब जब इन दोनों को हम एक से एक में लिखने लगेंगे, तो हमारे पास ये दोनों अलग अलग होंगे, ओके। इनमें कोई भी नंबर ऐसा हमारे पास कॉमन नहीं है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, 5 है, तो 6 है। इन दोनों को हम यूनियन नहीं ले सकते, इन दोनों को हम इकट्ठा, सॉरी इनका यूनियन नहीं लेंगे, इनको हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, हमारे पास इन कोई सा भी नंबर जो है हमारे पास कॉमन नहीं है, इसीलिए जब इनको हम इकट्ठा करेंगे तो हम इनको एक साथ नहीं लिख सकते, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, पूरे तरीके से डिसजॉइंट हैं, एक भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें आएंगी तो ये वाली बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्होंने ये मांगा पहले कि सिर्फ हमें कौन से दो, और दो, दूसरे में उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ इवन चाहिए, इवन आउटकम चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ गया होगा। देन अब आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट्स। जब हमारे पास एक इवेंट हो तो दूसरे इवेंट पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और डिपेंडेंट इवेंट इसी का अपोजिट, कि जब हमारे पास कोई इवेंट हो, हैपनिंग हो, कोई इवेंट हैपनिंग होगा, जो भी कोई इवेंट होगा, तो एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट के होने पे पड़ेगा, देन दे आर सेड टू बी डिपेंडेंट और डिपेंडेबल। देखो नीचे एग्जाम्पल भी मैंने दी है, तो एग्जाम्पल में क्या कहा है, थ्रोइंग ऑफ टू डाइस, जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमेशा क्या होगा, दो, देखो दो पे ही होगा। जब हमने दो डाइस को थ्रो किया, ठीक है, थ्रो करने पे हमारे पास अगर एक डाइस पे दो नंबर आ रहा है, हमारे पास एक डाइस पे अगर 2 अपीयर हो रहा है, ऊपर आ रहा है डाइस के फेंकने पे, तो ये दूसरी डाई के नंबर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दूसरा जब उसमें वहाँ पे कोई दूसरा नंबर होगा। सपोज करो एक डाई पे अगर 2 आया तो दूसरे पे भी 2 आ सकता है, ठीक है, ये इसका उस पे कोई फर्क उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने अपने नंबर शो अप होंगे, हैंस दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ओके। इफ वी वांट द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन अपवर्ड फेस ऑफ द डाई मे बी 8। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट, तो जब हमें क्या कहा क्वेश्चन में, हमें पूछ लिया कि हमें डाई पे ऐसे नंबर लाओ जिन पे, या फिर अगर हम खेल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर हमें दोनों डाइस का कितना चाहिए, 8 चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया 8 चाहिए। तो 8 लाने के लिए हमें या तो एक डाई पे 6 होना चाहिए, दूसरे पे 2 हो, ठीक है, या एक पे 4 हो, दूसरे पे 2 हो। एक डाई पे हमारे पास क्या हो, 6 प्लस 2, वो भी क्या होगा,
8, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो हम आगे जा नहीं सकते, 7-1 तो ला नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास डाइस पे नंबर होते ही 6-6 हैं। एक क्या होना चाहिए, 4 हो प्लस 4 हो, ये भी 8 आ सकता है। उसके बाद 5 हो प्लस 3 हो, ये भी 8 आ सकता है। इसका मतलब अगर एक भी डाइस पे इन इन में से एक ये नंबर आ जाते हैं, ओके, अगर किसी डाई पे एक नंबर आ जाता है, दो में से किसी एक पे ये नंबर आ जाता है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर ये लाजमी है कि दूसरी वाली डाई पे ये नंबर अपीयर हों। अगर एक पे 5 आया है तो दूसरी पे 3 होना चाहिए, होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमें सम 8 चाहिए, ठीक है, 5 और 3 8 ही होते हैं। उसके बाद अगर एक पे 6 आया है तो दूसरे पे 2 आया है, 2 आना चाहिए। अगर एक पे 2 आया है तो दूसरी पे 6 आना ही चाहिए। इसका मतलब ये इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया। समझ में आ गया? देन टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन नॉट बी इनडिपेंडेंट और वाइस वर्सा। अगर दो, मैंने रिमार्क में लिख दिया, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, वो एक वो क्या होंगे, कैन नॉट बी इनडिपेंडेंट और वाइस वर्सा। जो इनडिपेंडेंट इवेंट्स हैं एक दूसरे से, वो क्या होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन नॉट बी इनडिपेंडेंट, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। देन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, इनको स्किप करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको आगे MCQs दिए तो मे भी बहुत सारे MCQs आपकी सिर्फ इन डेफिनेशन से ही निकल जाए, मतलब सिंपल से सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वेज में। अगर मैं थोड़ा सा टफ कर दूंगी तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सॉल्विंग प्रॉब्लम करना पड़ेगा मे बी, तो क्योंकि पेपर का हमें नहीं पता है वो किस तरीके का आएगा, टफ भी हो सकता है सिंपल भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों चीजें साथ लेके चलना पड़ेगा। अब देखो, जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है, बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मणा में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या J&K में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं, स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल है ना वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, तारीफ क्या करूं उनकी। 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, SSC जेई क्वालिफाइड, CRPF का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त, और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। J&K में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट, और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। PG का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। देखो, सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स, ये चीजें भी मैंने आपको बतानी है। सिंपल इवेंट्स कौन सा होगा, द इवेंट विच अकर अलोन सेपरेटली, कोई भी इवेंट जो अकेला हो, अलग हो, उसको हम मतलब सिंपल सिंपल हमने कॉइन क्या किया, टॉस किया, तो वो सिंपल सिंपल इवेंट हो गया हमारे पास। बट वेन टू आर मोर इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, जब दो इवेंट्स एक साथ हो जाएं, जैसे हमने दो टॉस को दो कॉइन को टॉस कर दिया, तो वो हमारे पास भी कंपाउंड इवेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने उसको कंपाउंड इवेंट्स इस तरीके से बोलेंगे कि हमने ये बोलना है कि जब हमने दो है दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन्स को टॉस करने के बाद हमारे पास क्या, उसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा दी, या तो एग्जैक्टली हेड आना चाहिए, या एग्जैक्टली दोनों पे टेल आना चाहिए, एटलीस्ट एक टेल होनी चाहिए, या एट मोस्ट हमारे पास हेड होना चाहिए, तो उस तरीके के इवेंट्स हमारे पास क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, ओके। तो
यहाँ तक समझ में आ गया। तो मुझे टाइम का भी ध्यान रखना है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा मैथ्स का टॉपिक जो हो वो 30 मिनट का हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम 30 30 मिनट का लेके चलते रहेंगे तो हम सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक चीज़ को तीन तीन चार चार बार जब तक टीचर नहीं बताएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आता हो। मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ 30 मिनट्स को लेके, इसीलिए मैं कम से कम 60 मिनट्स की या कम से कम 50 मिनट्स का वीडियो में अपना लेक्चर बनाना चाहती हूँ, ताकि जो कंटेंट मैं लाऊँ उसको मैं उस तरीके से डिलीवर करूँ कि आप तक भी पहुँचे। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, सैम्पल स्पेस के बारे में बात करेंगे, ऊपर हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सपोज करो हमने क्या कर दिया, एक डाई को रोल किया, ठीक है, आपको भी पता है डाई हम लूडो खेलते आए हैं तो उसके साथ जो हम फेंकते थे उसको डाई बोलते हैं। द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बट वी नो दैट इट कैन शो अप एनी वन ऑफ 1 2 3 4 5 6, ओके। हमें पता है इस तरीके जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे कि इनमें से तो कोई ना कोई नंबर आना लाजमी है, सबको पता है, क्योंकि हमें पहले तो नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि इन 6 में से कोई एक पक्का होगा। सच एक्सपेरिमेंट्स वेयर आउटकम्स आर काउंटेबल एंड आर इक्वली लाइकली एसेंशली अंडर द सेम कंडीशंस आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हमें पता हो कि वो काउंटेबल भी होनी चाहिए और इक्वली लाइकली उनके होने के चांसेस भी हों और सेम कंडीशन पे हों, वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हर कोई हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट ही निकलेगा, क्योंकि अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं या कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जैसे अगर अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, रोलिंग ऑफ अ डाई, टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम एन अर्न, मतलब किसी जार से या किसी अर्न से हमने क्या निकाले, बॉल्स ले लिए, ठीक है, क्रिकेट बॉल जो हम खेलते हैं उनमें से कोई कलर वाले बॉल, कोई भी बॉल कलर्ड हो या जैसे भी, उनको हमने निकाला, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है हमारे पास। मतलब अब उन पे लिखा हुआ थोड़ी होगा कि नहीं ये वाला निकालो दूसरा, हमने वहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ें पड़ी होंगी, बॉल्स पड़े होंगे अलग अलग कलर्स के, उनमें से हमने रैंडमली कोई भी उठाने हैं, ठीक है, कोई चुन के नहीं उठाएंगे, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और डाई को भी इसलिए क्योंकि थ्रो करने पे रैंडम थ्रो कर दिया तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, जैसे आजकल मैक्सिमम हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई पिक रैंडमली क्लिक हो जाती है और वो बहुत अच्छी आ जाती है, तो उसको पोस्ट करने के बाद हम लिख लेते हैं कि रैंडम क्लिक, मतलब बस यूं ही हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आती है बात सैंपल स्पेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसको बहुत अच्छे से समझें। सैंपल स्पेस जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक जो हमने ऊपर में आपको बार बार बोल रही थी स्पेस स्पेस, वो इस
इसी स्पेस की बात करी थी। सैम्पल स्पेस है जो द सैम्पल स्पेस एस ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आया? मतलब कि जितने भी हमने रेंडम एक्सपेरिमेंट्स लिए, ठीक है, उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आए उनको जब हम इकट्ठा करके लिखें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सैम्पल स्पेस। जैसे ऊपर हमने एक अपने डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के बाद हमारे पास क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या जो भी जितनी सपोज करो हमने उसको 6 बार रोल किया तो 6 बार हमारे पास कुछ आउटकम्स आएंगे, या फिर हम उसमें से ये भी बता सकते हैं, इसमें आप एग्जॉस्टिव इवेंट्स को भी बता सकते हैं कि वो सैम्पल स्पेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि सैम्पल स्पेस भी हमारे पास क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास वो होगी कि इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब अगर हमने डाई को थ्रो कर दिया, सिंगल डाई को, तो उस पे हमारे पास ये वाली चीज़ें आएंगी ही, क्योंकि इनमें से हमें पता तो नहीं है एक कौन सी आएगी, बट हमें इतना पता है कि इनमें से कोई एक पक्का आनी है। इसीलिए एग्जाम्पल में मैंने आपको कॉइन के लिए बोल दिया, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास एक हेड होगा तो एक हमारे पास क्या होगा, टेल होगा। इसलिए इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बन गया, टेल और हेड। जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमें पता है दो कॉइन्स को टॉस करने पर हमारे पास क्या होगा, देखो ये एक कॉइन का ये नंबर ऑफ कॉइन 1, ये नंबर ऑफ कॉइन 2, ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, तो इसका ये हेड है, तो इसी बेस पे हमने क्या कर दिया, एक सेकंड में आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो ये एक कॉइन है, कॉइन 1, ये कॉइन 2, इस पे हेड है और इसकी दूसरी साइड कौन सा है, टेल, और ये है इसकी एक साइड हेड है और इसकी भी दूसरी साइड क्या है, टेल, क्योंकि हमें पता है कोई भी हम सिक्का लेंगे 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 का, तो एक साइड हेड होगा टेल होगा, मतलब नंबर को हम क्या बोलेंगे, नंबर को हेड बोलते हैं और जो दूसरी साइड होगा उसको टेल बोलते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होगा, हेड टेल, दो चीज़ों को लिखने। देखो अब इसकी सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी ये मैं आपको समझा देती हूँ। सैम्पल स्पेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल स्पेस से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो जब तक आप सैम्पल स्पेस अपनी करेक्ट नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए सैम्पल स्पेस बनाते वक्त अपना पूरा ध्यान उस पे दें ताकि आपकी सैम्पल स्पेस गलत ना हो। एक बार आपकी सैम्पल स्पेस अच्छी बन गई, नीचे आपको जितने मर्जी ऑप्शंस पूछ लें, जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, चाहे एक हेड के लिए बोल दें या दो हेड के लिए बोल देंगे या दो टेल के लिए बोल देंगे, तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो सैम्पल स्पेस में आपके लिए देखो सबसे पहले जो चांसेस हैं आने के वो मैं आपको बता देती हूँ। कैसे? टेल टेल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, टेल टेल भी आ सकता है, एक कॉइन का दूसरे कॉइन का, एक का टेल हो सकता है, दूसरे का हेड हो सकता है, टेल हेड, एक का हेड होगा तो इसका टेल होगा, हेड टेल, दोनों का हेड भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए जब हमारे पास दो सिक्के हम टॉस करेंगे तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्पेस बनेगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, सिर्फ 4 पॉइंट्स। और इसलिए मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, देखो दोबारा से बता देती हूँ कि ये हमारे पास एक नंबर कॉइन है, ये 2 नंबर कॉइन है, इस पे इसका एक हेड है और इसके दूसरी साइड क्या है, टेल, और इस कॉइन पे भी एक साइड पे हेड है और दूसरी साइड पे क्या है, टेल। तो मैं कलर ले लेती हूँ अलग करके। देखो अब हमारे पास अगर एक का हेड है तो दूसरे का भी हेड होगा, सपोज करते हैं अगर एक ने हेड दिया तो दूसरे का भी हेड शो हो गया, अगर एक का हेड शो हो रहा है तो दूसरे का टेल शो हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हमने क्या कर दिया, अगर एक का टेल शो होता है, ठीक है, अगर एक का टेल शो होता है तो दूसरे का भी टेल शो हो जाएगा। अगर एक, ये ज़रूरी नहीं है कुछ भी शो हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आउटकम्स आने के चांसेस है। अगर एक का टेल शो हुआ है तो हो सकता है दूसरे का हेड शो हो जाए। इस तरीके से आप अपनी सैम्पल स्पेस 3 से क्या 4, अगर आपके पास 3 कॉइन भी आप थ्रो करोगे ना तो भी हमारे पास ऐसा ही सैम्पल स्पेस बनेगा। ओके, तो 4 कॉइन का भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। 4 कॉइन्स का अगर हम करेंगे तो आप चाहे, आपको समझ में अगर ना आए तो आप नंबर ऑफ कॉइन 1 ले लें, उसकी एक हेड ले लें और दूसरी क्या ले लें, टेल ले लें, फिर नंबर ऑफ कॉइन 2 लें, उसका भी एक हेड ले लें और उसका क्या कर लें, दूसरा
टेल ले लें, फिर नंबर ऑफ कॉइन थर्ड ले लें, तीसरे नंबर ऑफ कॉइन पे भी क्या कर लें उसका भी हेड ले लें और उसका भी क्या कर लें आप टेल। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया कि अगर इसका हेड है इसका भी हेड आ गया तो इसका भी हो सकता है हेड ही आए, अगर इसका हेड आ गया इसका हेड आ गया और इसका भी हेड आ गया हो सकता है इसका टेल आ जाए, पहले वाले की कंडीशंस ख़त्म। अब दूसरे में हम क्या सोच सकते हैं कि अगर इसका हेड आया है, ठीक है, अगर इसका हेड आया है तो मे बी इसका टेल आ जाए और इसका भी टेल आ जाए, ठीक है। मे बी फोर्थ कंडीशन ये हो कि हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास इसका हेड आया है तो इसका टेल आके इसका हेड आ जाए, ठीक। अगर हमारे पास ये भी हो सकता है कि इसका टेल आ जाए तो इसका भी टेल हो सकता है और इसका भी टेल हो सकता है, इसका टेल हो के ये टेल हो, इसका भी टेल आ सकता है, इसका हेड आ सकता है, मतलब इस तरीके से आपकी आउटकम्स और ये हमारे पास पूरे बन जाएंगे 8। और ये आप ध्यान से खुद ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके से ये 8 पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो ये हमारे 3 कॉइन का डाई, 3 कॉइन थ्रो करने पे जो हमारे इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो एक डाई को रोल करने पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो ये बनता है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया। सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास ये आउटकम्स आती हैं, ठीक है, ये इन सब को हम क्या बोल देते हैं, सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स ऑफ एस आर नोन एज सैम्पल पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी आपको उतना टफ नहीं है, सिंपल पॉइंट्स हो गए जो हमारे पास आउटकम्स हमने डाली हैं, ये सारी हमारे पास कौन से हैं, सैम्पल पॉइंट्स, ओके। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, एग्जाम्पल पे, सॉरी। देखिए उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हों, मैंने अभी इसलिए कम क्वेश्चंस लाए हैं आपके सामने क्योंकि मैंने अभी अभी ही आपको ये सब पढ़ाया है, और अभी मैं अगर आपको क्वेश्चंस बता दूं तो अभी आपको वो समझना पड़ेगा एक या दो बार। प्लीज़ मैं कह रही हूँ, प्लीज़ 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 जो भी लेक्चर देखेंगे पढ़ेंगे अपना पेन कॉपी हाथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करते रहना। कुछ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ में, मैंने आपको पहले कहा है कि मैं नोट्स पर नहीं लिख पाई, अगर बोर्ड होता तो चलो मैं साथ में लिख के, मैंने फिर भी लिखने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ है तो मैं इसको कम करवा दूंगी एडिटिंग में, या खुद ही बाद में आहिस्ता बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। और क्वेश्चंस के लिए जल्दी ना करें, क्योंकि अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ओके। देन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए पहली एग्जाम्पल क्या लाई है कि एग्जाम्पल आपको कह रही है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ सिक्स विद एन ऑर्डिनरी डाई। अब उसमें ये पूछा कि अगर हमने एक ऑर्डिनरी डाई को थ्रो कर दिया, ओके, ऑर्डिनरी डाई को थ्रो करने पे हमारे पास क्या होगा, सिक्स आएगा, तो उसके पॉसिबल वेज बताओ। ऑब्वियसली अगर हमने सिंगल डाई को थ्रो कर रहे हैं तो एक ही छः आने के पॉसिबल चांसेस हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा उस पर हैं भी नहीं। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे पूरा लिख दिया है, लेकिन मैं आपको जैसे ऊपर समझाने की, जैसे हमारे पास डेफिनेशन है उसके भी अकॉर्डिंगली अगर हम इसको करना चाहें तो इसको अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, सिक्स की, होने के चांसेस किसके, छः के, वो एक ही होंगे। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एम क्या है, सिर्फ एक, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, चलिए ग्रीन रखते हैं। तो एम हमने ले लिया 1, तो जो नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ना होने वाले हैं हमारे पास 5 टोटल, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये सारे वो हैं जो नहीं होंगे, और ये है एक कौन सा जो होगा, वो है 6, यही बोला। तो जिस तरीके से हमारी इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी पी ऑफ ई, तो पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को निकालने के लिए हमने, इवेंट हमारे पास कौन सा है 6, पी ऑफ ई को निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है हमारे पास, अब ई यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 6 की, तो इसके लिए एम कितना है हमारे पास, 1, नंबर निकालना है, ये नहीं कि हमने ये लिखना है, नो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हमने लिखना है कि एम क्या है हमारे पास, 1 ही, ठीक है, 1, तो m क्या लिखना है हमारे पास, इसका क्या था यहाँ पे, m अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो m अपॉन m प्लस n को लिखने के लिए हमने क्या किया कि हम इसको किस तरीके से, m क्या है हमारे पास, 1, n क्या है हमारे पास, 5, ठीक है, ये काउंटिंग करके हमारे पास ये कितने आते हैं, 5, और ये हमारे पास 6, मतलब सिर्फ नंबर यहाँ पे कितना डिजिट है, सिर्फ 1, तो ये नंबर लिखना है, ना कि आप ये लिख दो, ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। इसकी तो हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो m हमारे पास है 1 और n
m यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे और प्लस लिख देंगे क्या 5। ओके अब 5 लिख दिया हमने, तो अब देखें अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/6। समझ में आया सबको? तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6 की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 6 की आ जाएगी 1/6। अब इसी का अपोजिट मैंने जिस तरीके से आपको बोला था कि अगर हम इसका अपोजिट करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, मतलब नॉट हैपनिंग इवेंट्स जो नहीं होने वाले हैं, वो हमारे पास कितने हैं। अब नॉट हैपनिंग वाले इवेंट्स हमारे पास थे 5, तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि n जो है जो नहीं होने वाले इवेंट्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट्स कितने हैं 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तक हैं तो वो नहीं होंगे। तो m तो हमें पहले से ही पता है होने वाला कितना है, सिर्फ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट्स, तो नॉट हैपनिंग इवेंट्स के लिए हमने कितना लिखना है, पी ऑफ ई नॉट, ठीक है। तो पी ऑफ ई नॉट कौन से हो जाएंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा 5/ एम कितना है 1/5, तो नॉट वाले कौन से हो जाएंगे 5/6। ओके समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हम नॉट हैपनिंग वाले भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ट्राई करो ना, अगर उसका हमने आपने एक आउटकम लिखा उसका अपोजिट भी करके देख लो, ताकि आपकी एग्जांपल्स के साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी क्लियर होती जाए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर लेस देन 3 विद एन ऑर्डिनरी डाई। अब देखो यहाँ पे अगर हमने सैम्पल स्पेस बना दी, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। अब मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट करें। अगर मैं हर एक चीज़ यहाँ पे लिख दूँ कि एट डैम श्योर कि आपने सिर्फ क्या करना है, पीडीएफ अपनी ले लेनी है और उस चीज़ को बस रट लेना है, तो मैं चाहती हूँ, मैंने खुद से चीज़ों को स्किप किया है क्योंकि मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ, लिख के समझाना चाहती हूँ, ताकि आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अपनी नोटबुक पे साथ पे उसको लिखें, ये आदत आपको डालनी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सैंपल स्पेस पहले एक डाई को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगी, हम नेक्स्ट कलर ले लेते हैं यहाँ। तो अगर हमने सैंपल स्पेस ली, एस इसकी हमारे पास एक डाई की क्या बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास क्या बन गई, सैंपल स्पेस। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर लेस देन 3, जब हमने थ्रो किया नंबर वो आने चाहिए जो 3 से कम हो, जब हमारे पास ऑर्डिनरी क्या होनी चाहिए डाई, जब हमने एक डाई को थ्रो कर दिया उसके पास नंबर हमारे पास कौन से आए, 3 से कम। ऑब्वियसली 3 से कम जब उसने पूछ लिया, तो 3 से कम हमारे पास सिर्फ कौन सा है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, सिर्फ हमारे पास ये दो नंबर हैं जो 3 से कम हैं, बाकी 3 है 4, 5, 6, क्योंकि उसने ये तो नहीं पूछा इक्वल्स टू 3 एंड 3 लेस देन 3, इक्वल टू पूछा होता तो हम 3 को भी साथ में काउंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 का मतलब 1 और 2 ही आएंगे। तो इसकी सैम्पल स्पेस में हम जब अपनी इक्वेशन के हिसाब से करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे ई हमारे पास क्या है, नंबर्स जो लेस देन 3 होंगे, ठीक है, तो इवेंट्स हमारे पास कौन से आने, ये हमारे पास ई है अब यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है ई, हाँ तो ये हमारा क्या है ई, मैं इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बनता है ई। तो ई क्या है हमारे पास, इवेंट कौन सा होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। ई को आप अलग से मेंशन करके, मैं आपको ये शॉर्टकट इसलिए करवाती हूँ क्योंकि लिखना नहीं चाहती इतना ज़्यादा, ताकि आप चीज़ों को शॉर्टकट के लिए समझ लें, क्योंकि पेपर जब ये हमारा एग्जाम होगा तो इसमें हमने क्लास की तरह सॉल्व करके नहीं बताना है, हमने वहाँ पे जस्ट आंसर लिखना है। और इन चीज़ों को आप अपने माइंड में इस तरीके से रख लें कि हमें ये सब लिखने की भी जरूरत ना पड़े, हम जस्ट सीधा आंसर दें और फटक से हमारा आंसर हो जाए सॉल्व। तो हमारे पास तो इतना टाइम होगा भी नहीं, तो मैथ्स तो वैसे भी टाइम मांगता है, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्लियर होता जाएगा और आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इसलिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसकी है, लेस देन 3, 3 के लिए लेस देन होने के लिए हमारे पास कितने चांस, 2 ही हमारे पास ऐसी हैं आउटकम्स जो लेस देन 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, m, तो m हमारे पास ये सॉरी कितनी है हमारे पास, देखिए तो ये हैं 2, कौन कौन सी, 1 और 2, ठीक है। अब 1, 2 मत लिखना, 2 का मतलब ये है कि ये दोनों को काउंट करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया m, तो n हमारे पास क्या बचा, 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास क्या बच गया,
ये हमारे पास बच गए हैं, ये हमारे पास कौन से हैं जो नहीं होंगे, तो ये एन कितना आ गया हमारे पास, एन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 4, कौन कौन से हैं 4 3 4 5 एंड 6। मुझे अब आदत है हर चीज़ लिखने की, मैं लिखूंगी लेकिन स्पेस नहीं बचती है फिर, तो इनको हटाने के लिए फिर ये पूरा ही डिलीट हो जाता है। तो ये देखिए एम हमारे पास 2 हो गया और एन हमारे पास 4 हो गया। अब जब हम यहाँ पे डेफिनेशन लगा रहे हैं पी एफ ई की, तो पी एफ ई को हम कैसे लिखते थे, इक्वल्स टू एम अपॉन एन, क्यों हमें पॉसिबल आउटकम चाहिए तो एम प्लस एन। तो यहाँ से हमें पता चल गया पी एफ ई हमारे पास लेस देन ई 3 से क्या हो जाएंगे 2, एम कितना है 2 और बाकी क्या है हमारे पास एम प्लस एन, तो 2 प्लस 4, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन 6, ठीक है। तो काटने के बाद हमारे पास, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1/3 आएगा। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप सबकी समझ में आ गई हो, सॉरी ये आपकी समझ में आ गया हो, क्योंकि हमें पता है 6 में से 2 आउटकम्स आने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने जब सॉल्व कर दिया तो हमारे पास, हमने सॉल्व हमेशा करना है, ये तो हमें पता है आउटकम्स 6 में से 2 ही आएंगी। उसके बाद हमने क्या कर देना है, उनको इस तरीके से लिख देना है कि उन वह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है एक कार्ड को लेके, कार्ड में शायद मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में 53 बोला था, और उसको मैंने 53 इसलिए बोला था क्योंकि एक जोकर का भी होता है उसमें, जैक के बाद एक जोकर आता था वो 53, लेकिन अब वो 50 वो जैक जोकर उसमें नहीं था, तो उस चीज़ को आप माइंड ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे तरीके से लिखा है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ पैक वो कितने होते हैं कार्ड्स, ठीक है, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं। तो मैंने कहीं पे पहले तो जोकर भी होता था तो 53 कार्ड्स, वो जोकर एक्स्ट्रा होता था, उसके साथ कभी हम खेलते नहीं थे, वो बस साइड पे रखते थे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चंस में बात होगी तो क्वेश्चंस में बात होगी सिर्फ और सिर्फ 52 कार्ड्स की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। जब हमारे पास एक कार्ड्स में से, वेल शफल्ड में से हमने क्या निकालना है, एक कार्ड को विदड्रॉ करना है, निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड और एन एस। अब सबसे पहले मुझे आपको ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है। देखिए ये रहा हमारा शफल कार्ड, जो मतलब कार्ड्स हैं हमारे पास अरेंज्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं एस, और ये है हमारे पास जैक क्वीन और किंग, ठीक है, और ये 4 कार्ड्स हमारे जो होते हैं ये बहुत ही हाई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिजिट्स कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये सारे हमारे होते हैं डिजिट कार्ड। अब डिजिट कार्ड, इन सब से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये देखो। अब यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, ये अच्छे से समझ नहीं आए थे तो इसलिए मैंने उनको वहाँ पे रख दिया। एक सूट में क्या होते हैं, जो पैक होता है उसको सूट बोलते हैं, क्लब, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्लब होंगे। ये नाम आपको पता होने चाहिए, इनका कलर और नाम ये पक्का पता होना चाहिए, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में अगर जानकारी होगी, अगर आपने इसको रिवाइज़ किया होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बॉयज़ तो मे बी उनको पता होगा क्योंकि गेम्स वगैरह ऑनलाइन सब खेलने में बहुत माहिर रहते हैं, तो गर्ल्स को मे बी ना पता हो, क्योंकि मुझे भी स्कूल में तो पता नहीं चला था, लेकिन जब कॉलेज में पहुंची थी तब मुझे भी पता चल गया था कि हाँ कार्ड्स में ये होते हैं। तो बहुत टाइम के बाद मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा रही हूँ तो मुझे भी कभी कभी स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो देखिए रिवाइज करते रहेंगे आप जब तक पेपर होता, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी। इनको बोलते हैं क्लब्स, ये क्या आ जाएगा, क्लब्स, ये जितनी भी होती है इसको हम जैसे चिड़ी बोलते थे हिंदी में या अपनी ज़ुबान में। ये डायमंड्स जो ये वाले होते हैं, डायमंड्स ये रेड होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है, ये भी नंबर ऑफ 13, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। हर्ट्स, ये भी हर्ट भी रेड होते हैं, इनका कलर ज़रूर याद रखना, ठीक है। और स्पेड्स भी क्या होते हैं, स्पेड्स मतलब ये पत्ता जो होता है इसको भी क्या बोलते हैं, ये कौन से कलर में होते हैं, ब्लैक। अब समझ में आया, ऊपर क्वेश्चन में जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें पूछा गया कि कोई एक एस निकले या कोई स्पेड निकले,
ठीक है। और ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, कलर में, ठीक है। कलर में हर कोई कितना होगा, कलर में ये 26 और 26 हो जाएंगे, ब्लैक भी 26 होंगे और रेड भी 26 होंगे, लेकिन क्लब्स 13 हो जाएंगे, देन स्पेड्स 13 हो जाएंगे ब्लैक में, ओके। देखो ब्लैक में ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करके ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 26, और रेड भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, 26, 26 रेड, 26, देखो 26 रेड है हमारे पास, मैं कलर भी वही ले लेती हूँ, हाँ रेड ले लेती हूँ, 26 हमारे पास क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ये हाँ, तो हमारे पास 26 कौन से हैं, 26 है हमारे पास रेड प्लस, और 26 है हमारे पास कौन से, ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक से लिखा, ठीक है। 26 रेड है, 26 है ब्लैक, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, मैंने एक ब्लैंक पेज यहाँ पे रखा था, देखिए अगर 26 है हमारे पास रेड, तो 26 में 13 कौन से आ जाएंगे, डायमंड के, रेड में 26 हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डायमंड, जैसा भी बना लेना आप, अगर मेरी ड्राइंग आपको पसंद ना आए तो, ईंट जिसको हम बोलते, 13 रेड आ गए, और 13 हमारे पास कौन से आते हैं रेड में, हार्ट जो बना होता है ऐसे करके, ये वाला 13 रेड। अब इसमें देखो ब्लैक में प्लस 26 कौन से आ जाएंगे, ब्लैक, ब्लैक में पहले क्या आएगा, 13 कौन से आएंगे हमारे पास, जिसको मैंने चीड़ी बोला, ठीक है, क्लब्स जिनको बोलते हैं, तो इनको आप जब फील कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके। ये 13, और 13 हमारे पास कौन से बन जाएंगे, ये वाला। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से रखें, याद रखेंगे और बहुत अच्छे से, और इनके बीच में भी अपना चार चार होंगे, कौन से वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, हमारी क्वीन होगी, किंग होगा, जैक होगा, तो मैंने आपको बता दिया जैक कौन सा है, क्वीन वो ऊपर, चलो चलते हैं, आप ये चीज़ समझ में आ गई, मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। देखिए अब समझ में आ गया, ये पूरी चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना पास, ताकि आपको हर चीज़ जब भी आप देखो तो आपको पता चल जाए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा लास्ट है टॉपिक, तो चलो हम अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास और कौन से जो वैल्यूएबल कार्ड हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड कौन से होंगे, ए, सॉरी ए नहीं होगा, ऑनर कार्ड हमारे पास ए नहीं होगा, ए नहीं होगा हमारे पास, ऑनर कार्ड्स कौन से होंगे, नहीं होगा, ए होगा हमारे पास ऑनर कार्ड, इनको हम बोलेंगे ए, जो एस है, और जैक है, क्वीन है, और के है, क्योंकि ये ऑनर कार्ड इसलिए हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स, इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ये वाले जैक, क्वीन और किंग, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। आपको समझ में आ गया, इनके बेस पे इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि देखिए ये टोटल होते हैं 13 ब्लैक, 26 ब्लैक और 26 रेड, और उनमें से 13 आगे हमारे पास 30, उसके बाद हमारे पास कौन कौन से आगे, आप इन चीज़ों को जितना रिपीट करेंगे, 13 हमारे पास आगे क्लब, 13 हमारे पास आगे हर्ट्स, 13 हमारे पास आगे डायमंड, 13 हमारे पास आगे स्पेड्स, स्पेड्स हमारा ये हो गया, हर्ट्स हमें पता है, डायमंड्स हमें ये है, और क्लब्स और स्पेड्स को अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें तो सामने दिख रही हैं, तो चीड़ी को अगर हम उनको हम क्लब बोलेंगे। जैक, क्वीन और किंग, ये हमारे पास हैं फेस कार्ड्स, और एस, और जब किंग और क्वीन को हम चारों को ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं ऑनर कार्ड्स, और ये इनको हम क्या बोल देते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे पास आ जाते हैं डिजिट कार्ड, तो इनको हम बोलेंगे डिजिट कार्ड। अब देखिए
इस चीज़ को मैंने लास्ट में एक और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको एक बार आपको समझा देना चाहती हूँ। देखिए, सॉरी, तो कोई ना, चलो हम इसको फिर से, पूरी स्क्रीन पे तो ये नहीं आएगा, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52, 26 मैंने बता दिए ब्लैक, 26 मैंने ऊपर भी बताए होते हैं रेड। अब 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास स्पेड्स के, 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास क्लब के, और 13 होते हैं हार्ट्स के, और 13 होते हैं डायमंड के। डायमंड के बाद हमारे पास, मैंने आपको पहले बोला कि हमारे पास जो कार्ड हैं ऑनर कार्ड कौन से होंगे, ऑनर कार्ड किंग, क्वीन और जैक और एस, इनको हम क्या बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं ऑनर कार्ड। और फेस कार्ड हम किसको बोलेंगे, सिर्फ जो होंगे हमारे पास किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों को हम बोलेंगे फेस कार्ड, क्योंकि इनके चेहरे दिख रहे होते हैं, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। और हर एक में तीन तीन हैं, तो इसका मतलब चार हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12, जिसमें 6 ब्लैक होंगे और 6 रेड होंगे। ऊपर आप एक बार उसको चेक करके देख लेना कि मैम ये कैसे 6 रेड और 6 ब्लैक बोल रहे हैं या किस तरीके से। देखो, इसमें भी क्या है, तीन हैं, जैक, क्वीन और किंग, जे, क्यू और के। जैक, क्वीन और किंग तीन हैं स्पेड्स में भी, इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है। फोर्थ हमारे पास क्या है, ए, ए सबके पास एक एक होता है, ए होता है ना सबके पास एक एक, इसीलिए ऑनर कार्ड्स हमारे पास फोर हैं। और फोर फोर, जब हमारे पास ऑनर कार्ड्स हमारे पास फोर हैं, फोर कैसे, ये 3+1, ये 1 और ये 3, और 3+1 टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4, तो इसीलिए चारों के पास चार चार हो जाएंगे टोटल, इसके पास भी चार, इसके पास भी चार, और इसके पास भी, मैं कल अलग ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब टोटल ले लेंगे कि कौन कौन सा, ये और ये तो हर एक के पास चार चार हैं, ये हार्ट वाले के पास भी, डायमंड के पास भी, क्लब के पास भी और स्पेड के पास भी, इनके पास भी चार चार हैं, इसीलिए ऑनर कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए, 16। इसीलिए 16 इसलिए क्योंकि 8 ब्लैक हो जाएंगे और 8 रेड हो जाएंगे ऑनर कार्ड्स। फेस कार्ड हमने बोला कि सिर्फ तीन होंगे, तीन तीन सबके पास होंगे, और इसीलिए 3×4 कर देंगे तो 12, तो 6 ब्लैक हो जाएंगे, 6 हमारे पास ब्लैक हो जाएंगे और 6 रेड हो जाएंगे फेस कार्ड्स, इनका अच्छे से ध्यान रखना आप। ओके, देन डिजिट्स मैंने आपको समझा दिया, डिजिट कार्ड 2 से 10 तक होंगे और ये हर किसी के पास होंगे, 2 से 10 तक डिजिट्स कार्ड हैं, सबके पास हैं, चार हैं, चार के पास हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 18 रेड और 18 ब्लैक हो जाएंगे। ये था हमारा, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन के बेस पे समझाने की कोशिश की। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा था ये, अब आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें ये बोला था कि आप देखें कि एक कार्ड को अगर हम ड्रा करेंगे वेल शफल्ड पैक से, अब आपको समझ में आ जाएगा स्पेड कौन सा है और एस कौन सा है। तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स द कार्ड कैन बी ड्रान इन 52 वेज, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो 52 वेज में हम उस वेल शफल्ड पैक से कोई सा भी निकालेंगे, हमें तो पता नहीं है कौन सा आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी, या तो वो स्पेड में से होना चाहिए या वो एस में से होना चाहिए। एस मतलब हमारे पास कितने हैं, 4, तो स्पेड हमारे पास कितने हैं, 13, तो स्पेड्स आपको पता है वो कितने हैं, 13, और स्पेड हमारे पास हैं भी कौन से, ब्लैक, ठीक है, स्पेड ब्लैक ही हैं, एक बार देख लेते हैं, स्पेड्स हमारे पास ब्लैक ही हैं, स्पेड हमारे पास ब्लैक हैं। स्पेड्स किसको बोलते हैं हम, ये वाली चीज़, क्योंकि हो जाते हैं स्किप माइंड से, मुझे तो अभी भी इनमें कन्फ्यूजन रहती है, सीरियसली बताऊँ तो। जो आगे हमारे पास क्या है, और इसलिए बोल रही हूँ कि हर एक चीज़ को मैंने इमेजेस में साथ में रख दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, बट द नंबर ऑफ वेज इन विच दैट कार्ड कैन बी स्पेड और एस, वही मैंने बता दिया कि वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने एस तो एस हमारे पास थे 4, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं हमारे पास 4, लेकिन अगर हमने स्पेड ले लिया पूरा, इसके नंबर हैं 13, लेकिन इसका स्पेड हम ऐड नहीं कर, इसका स्पेड यहाँ से निकाल के 13 में से हम 12 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स ले लिए 13, और नंबर ऑफ एस जो हमने ले लिए इनको हमने कितना ले लिया, -1 मतलब 3, तो एस को हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि 13 के 13 स्पेड के पास इसका अपना एस भी हम ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, 13+3, नंबर ऑफ
एज कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ एज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं 13. तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो आउटकम्स होने के चांसेस हैं वो कितने हैं 16. मतलब इन 16 में से हमने बाकी फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं. हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड और एन एस इज इक्वल टू 16/52. जब हम इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4/13. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी. इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. मैं आपको फिर से रिपीट, एस अगर हमारे पास नंबर ऑफ 4 है तो हमने 3 क्यों लिए, हमने 3 इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास जो स्पेड का अपना एज था, जो इसका इक्का था ए, इसका ए इसके पास ही रहने दिया, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए 13. ओके, इसका इसके पास ही रहने दिया इसीलिए ये 13 लिए, और इसीलिए यहाँ से 4 के बजाय हमने बाकी के 3 ले लिए. किसका, डायमंड का, हार्ट का और क्लब का. यहाँ पे हमने क्लब के लिए और यहाँ पे स्पेड के इसके पास रहने दिया, इसलिए हमारे पास 3 एस आने के चांसेस थे यहाँ से, और बाकी टोटल स्पेड्स यहाँ से आने के चांसेस थे कितने, नंबर ऑफ 13. तो इसलिए हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना, सॉरी जो हमारे पास, हाँ, इसका जो हमने बनाया आउटकम्स आने के जो चांसेस थे, द नंबर ऑफ वेज, जितने वेज में से हम ये कार्ड निकाल सकते थे, वो वेज बन गए हमारे पास 16. अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको डेफिनेशन के बेस पे ये करना पड़े तो आप इसको किस तरीके से करोगे, ये अब आप पे डिपेंड है. ओके, यहाँ पे एम जो हमारे पास वो 16 होगा, बाकी आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, जो भी होगा आउटकम्स आप आएंगी. तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे, मैंने पहले बोला कि ना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना लिख सकती हूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल 4. वट इज़ द चांस दैट अ लीप ईयर देयर आर 53 संडेज. लीप ईयर आप सबको पता है कि जब हमारे पास 29 फेब आती है तो वो लीप ईयर कब आता है हमारे पास, 4 साल के बाद. मतलब हमारे पास एक लीप ईयर आता है, वो सबको पता होगा. ये आप डिस्कस करेंगे, आप रीड करेंगे लीप ईयर कब, क्योंकि मेरा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं एक और से भी ज़्यादा हो चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे उसको भी समझाऊंगी तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और आप, मुझे पता है कि आप बोर होना शुरू हो जाएंगे. तो लीप ईयर आप देख लेंगे, इसके दिन कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स और एक्स्ट्रा 2 डेज हो जाते हैं, ठीक है. और ये क्यों बनता है लीप ईयर, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में, कैसे बनता है वो भी आप मुझे बताएंगे. नहीं समझ में आएगा तो मैं भी कमेंट्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे अब इतना टाइम ज़्यादा ले लूंगी तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, बोर होना शुरू हो जाओगे, इतना तो मुझे भी पता है. चलिए, तो 52 वीक्स हमें पता है कि उनके पास डेफिनेटली 52 संडेज होंगे, इसीलिए तो जो प्रोबेबिलिटी हमें होगी, इन दो दिनों में से कोई हमें एक बताना है कि कोई एक दिन जो होगा वो संडे का होगा. इसीलिए इसी के बेस पे मैंने जो हमारे पास जो मैंने एक सैंपल स्पेस पीस को आप बता सकते हो, मतलब नंबर ऑफ डेज जो होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, मंडे ट्यूजडे होगा. उनको हमने कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है. तो इसीलिए एक के बाद जब दूसरा आए उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव. तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो. तो देखिए, ट्यूजडे, वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे आ सकता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होंगे, या सैटरडे संडे होंगे, या संडे या मंडे होंगे. इसका मतलब हमारे पास ये दो जो हैं आउटकम्स, इनमें संडे आने के चांसेस हैं. तो हमारे पास सिर्फ कितने चांसेस हैं, सिर्फ दो. अब देखिए, तो ऑफ दीज 7 लाइकली केसेस ओनली 2, मतलब लास्ट के जो दो हैं वो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं. तो हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 में से सिर्फ 2. ओके, तो अब यहीं पे हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना. गो आउट एंड प्रिपेयर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम बाय डूइंग सेल्फ स्टडी एंड टेकिंग हेल्प ऑफ Aspire Adda YouTube चैनल. टू स्टार्ट विद, यू नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर ऑल द सब्जेक्ट, एंड विदाउट गोइंग आउट यू शुड कम्प्लीट ऑल द सिलेबस बाय योर सेल्फ. एंड वेन द क्रिटिकल सिचुएशन विल एंड, Here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.